बीजेपी गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये कहा कि प्रोफेसर्स लोगों को अपनी राज्य की रीजनल भाषा में साइंस, मेडिकल साइंस, लॉ फैकल्टी, जो वास्तविक एजुकेशन है वो आपको देशी भाषा में, वो भी राज्य की रीजनल भाषा में पढ़ाना होगा। मेडिकल साइंस के प्रोफेसर्स लोग हमको प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि हमको मेडिकल जो शब्दावली आए वो हमारे भारत में उसका वैकल्पिक कोई शब्दावली नहीं है। जो टर्मिनोलॉजी है मेडिकल साइंस की, उसका रीजनल भाषा में कहो या हिंदी भाषा में कहो, कोई वैकल्पिक शब्द नहीं है। जितना वो टेक्निकल सब्जेक्ट है, इंजीनियर साइंस, मेडिकल साइंस, ये टेक्निकल शब्द है। जितना उसको साइंस की लैंग्वेज से हम पढ़ाते हैं, अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाते हैं, जितना हमें उत्साह आता है, जितना हम बच्चों को कन्विंस कर पाते हैं और वो भी अंडरस्टैंड कर पाते हैं, आज हमें पढ़ने के लिए दिलचस्पी खत्म हो गई है। अगर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हायर एजुकेशन पर लागू होगा तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कौन सा भारत का स्टूडेंट साइंटिस्ट रिसर्च पेपर सबमिट करेगा, क्योंकि उसका जो ग्लोबल लैंग्वेज है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने खत्म कर दिया। अक्टूबर 2022 को इसी नागपुर में आरएसएस के मुख्यालय के ऊपर प्रोटेस्ट मार्च लेकर हम गए थे। तो आरएसएस जो संस्था है, इस संस्था का कोई रजिस्ट्रेशन भी नहीं है। इस संस्था का कोई ऑडिट होता है, इसका कोई रिकॉर्ड भी नहीं है। या ये कहा जा सकता है जो संस्था रजिस्टर्ड नहीं है, जिस संस्था का ऑडिट तक नहीं होता है, तो आरएसएस इल्लीगल ऑर्गेनाइजेशन है। यानी उसको संवैधानिक दायरे में उसको मान्यता लेनी चाहिए, मगर संवैधानिक दायरे में उसको मान्यता है क्या? मगर जो संस्था भारत के लॉ के अनुसार वैलिड नहीं है, संवैधानिक नहीं है, वो संस्था भारत पर आज राज कर रही है। और आरएसएस के द्वारा प्लान बना दिया जाता है और बीजेपी के लोग उसके ऊपर अमल करते हैं। तो आरएसएस सभी लोगों को डरा रही है, तो मुसलमानों को लग रहा है कि आरएसएस उनको डरा रही है। आदिवासियों का इतना बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है डिलिस्टिंग के नाम पर कि आदिवासियों के खिलाफ एक बड़ी मुहिम आरएसएस के लोगों के द्वारा चलाई जा रही है, तो आदिवासियों को डरा रहे। बहुसंख्यक आबादी जिनकी है अदर बैकवर्ड कास्ट, तो ओबीसी को गिन ही नहीं रही है, ओबीसी का सुन ही नहीं रहे। आरएसएस ने ऑफिशियली घोषणा किया, जब यहां नागपुर में असेंबली का सेशन चल रहा था महाराष्ट्र का, तो आरएसएस ने यह ऑफिशियली घोषित किया कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ बैकवर्ड कास्ट की जाति आधारित गिनती के पक्ष में नहीं है। तो
तो शेड्यूल कास्ट के लोग, शेड्यूल ट्राइब्स के लोग, अदर बैकवर्ड कास्ट के लोग, सिखों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। प्रोफेसर फल्टने जी, ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो इस बड़े मंच पर आकर उन्होंने जाहिर किया कि जैनों के खिलाफ भी बड़ा हिंसा अभियान चलाया जा रहा है। ऐसा कोई जैन व्यक्ति खुलकर बोलते हुए हमें दिखाई नहीं देता है। जैसा उन्होंने सबूत और तथ्य के आधार पर बताया है, तो भारत के अंदर मूल निवासी बहुजन समाज के लोगों को डराने का वो लोग काम कर रहे हैं और रिलीजियस माइनॉरिटी के लोग भी डर रहे हैं। तो जो सबको डरा रहा है, अलग अलग पार्टियों को फोड़ रहा है, संगठनों को तोड़ रहा है, लोकतांत्रिक संस्थाओं का मिसयूज करके अलग अलग राज्यों में सत्ता का बदलाव कर रहे इलीगल ढंग से, तो जो सबको डरा रहा है, हम लोगों ने उनको डराया जो सबको डरा रहा है। उस आरएसएस को हमने उसकी औकात दिखाई नागपुर में आकर। जब 6 अक्टूबर 2022 को 4.5 लाख से भी ज्यादा लोग आए, 183 ट्रेन रद्द करवाई गई थी और कोर्ट में ये कहा था कि हमारे पास पर्याप्त पुलिस बल नहीं है, तो पूरे विदर्भ के 11 जिले हैं, अलग अलग जिलों से पुलिस फोर्स बुलाई थी, 8000 पुलिस थी। तो यहां का पुलिस कमिश्नर हमें बोल रहा था कि आप लोग जीत गए हैं, हमें आज पता चला है बामसेब का ताकत कितना है, भारत मुक्ति मोर्चा का ताकत कितना है, आज हमें पता चला है कि आप लोग जीत गए हो। आप लोगों ने छत्रपति शिवाजी महाराज के जो गुरिल्ला वार है, जो दावपेच का युद्ध है, आप लोगों ने हमारे साथ खेला। हमारे पास खुफिया एजेंसी होने के बावजूद भी, सरकार होने के बावजूद भी, आरएसएस बीजेपी की, बामसेब के लोग जीत गए, यहाँ के पुलिस कमिश्नर ने मुझे कहा। साथियों, हमें मैदान में क्यों उतरना पड़ रहा है? जब जनता के मौलिक अधिकारों के ऊपर ही अतिक्रमण किया जाएगा, भारत के नागरिकों के अधिकारों को छीना जाएगा, तो किसी ना किसी को पहल करनी होगी। तो भारत मुक्ति मोर्चा ने 6 अक्टूबर 2022 को जो पहल किया, उसका यही ये असर हुआ कि उसके बाद मोहन भागवत की बोली में बदलाव दिखाई देने पड़ा। पंडित जी ने जाति व्यवस्था बनाई, भागवत जी ने कहा। पंडित जी को प्रायश्चित करना चाहिए, भागवत जी ने कहा। किया नहीं, भागवत जी ने प्रायश्चित किया है, ऐसा कोई वीडियो हमको दिखाई नहीं दिया। हमें लगा कि हम लोगों ने जब वाराणसी में कार्यक्रम आयोजित किया, तो भागवत जी सप्ताह भर के लिए वाराणसी आए थे। जब हम लोगों ने, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा ने, बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क ने जब वहां एक बड़ी जनसभा का आयोजन किया वाराणसी में, तो भागवत जी सप्ताह भर के लिए वहां आए थे, तो हमको खबर अखबार से पता चला, तो हमको लगा कि शायद भागवत जी वाराणसी में प्रायश्चित करने के लिए आए होंगे, हमको ऐसा लगा। मगर भागवत जी ने वहां एक स्टेटमेंट दिया, जो यहां हमारे सिख प्रतिनिधि हैं, हमारे जैन प्रतिनिधि हैं, हमारे मुस्लिम प्रतिनिधि हैं,
और पूरा भारत और पूरा विश्व में हमारा ये संदेश जा रहा है इस अधिवेशन के माध्यम से। भागवत जी ने वहां आकर स्टेटमेंट दिया कि अब हमें टेंपल टूरिज्म को चलाना होगा और छोटे मध्यम बड़े सभी मंदिरों के अंदर हमें ब्राह्मणों को बिठाना होगा, आरएसएस के ब्राह्मणों के द्वारा उन मंदिरों को ऑक्युपाई करना होगा और टेंपल टूरिज्म को चलाना होगा। यानी प्रायश्चित तो नहीं किया, बल्कि ब्राह्मणवाद को ज्यादा गति से बढ़ाना होगा, ये उन्होंने उस समय ऐलान किया। साथियों, आज भारत में आरएसएस बीजेपी के लोग रोजगार नहीं दे रहे, देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था कि 2 करोड़ लोगों को जॉब दिलाऊंगा, लोगों के खाते में पैसा जमा कराऊंगा, वादा किया था, मगर उनको पूछे कौन? जो मीडिया है वो तो दलाल बना हुआ है। एक पत्रकार ने एक दिन गलती से पूछ लिया अमित शाह को कि मोदी जी ने तो कहा था कि खाते खोल दो 15 लाख रुपए जमा हो जाएंगे, अब इतने साल हो गए शाह जी, अब बताइए आपके दोस्त कब पैसे जमा करने वाले, लोग पूछते हैं हमें। तो शाह साहब ने कहा, वो जुमला है, हम लोगों ने राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के तहत प्रधानमंत्री को जानकारी मांगा कि वो 15 लाख कब जमा करने वाले हैं। क्या इसके लिए भाजपा सरकार ने पार्लियामेंट में कोई ऐसा अप्रूव लिया है क्या, उसके लिए कोई रिजोल्यूशन लाया है क्या? तो उधर से जवाब आया, कोई पैसा भेजने वाले नहीं है, ना ही उसका कोई अप्रूव लिया गया है। तो जो लोग रोजगार नहीं दे रहे हैं, जो लोग भारत के मूलनिवासी लोगों को मार रहे, नरसंहार करने की योजना बना रहे हैं, सत्यानाश करने की योजना बना रहे हैं, तो अब हमें सड़क पर उतरने की रणनीति पर ज्यादा फोकस करना होगा और हमारे काम के गति को ज्यादा तेज से तेजी से बढ़ाना होगा। बीजेपी गवर्नमेंट ने 2020 में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी बनाया, वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी डिक्लेयर पॉलिसी है, कोई छुपी पॉलिसी नहीं है। उस पॉलिसी को सरकारी प्राइमरी स्कूलों तक उसका दायरा नहीं है, केजी से पीजी तक ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी है। और इस न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत मनुस्मृति आधारित सिलेबस पढ़ाया जाएगा, ऐसा 2020 में कहा, 2023 का अंत दिसंबर 26 दिसंबर में हम हैं, इस पर उन्होंने अमल शुरू कर दिया है। गुजरात गवर्नमेंट ने भगवद गीता को सरकारी पाठ्यक्रम का हिस्सा बना दिया, हरियाणा गवर्नमेंट ने कर दिया, मध्य प्रदेश सरकार ने सरसंघ चालक को सरकारी सिलेबस का हिस्सा बना दिया गया, प्राइमरी बच्चों को राम कथा महाभारत कथा पढ़ाई जाएगी, ज्योतिष शास्त्र पढ़ाया जाएगा। क्या कल्याण होने वाला है? ये प्रोपेगंडा इस एजुकेशन पॉलिसी से किया जा रहा है कि जो लेक्चरर है, जो टीचर है,
और जो साइंस फैकल्टी के प्रोफेसर्स लोग हैं, मेडिकल फैकल्टी के प्रोफेसर्स लोग हैं, तो भारत बहुविध भाषाओं का देश है। तो बीजेपी गवर्नमेंट ने न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत ये कहा कि प्रोफेसर्स लोगों को अपनी राज्य की रीजनल भाषा में साइंस, मेडिकल साइंस, लॉ फैकल्टी, जो वास्तविक एजुकेशन है, वो आपको देशी भाषा में, वो भी राज्य की रीजनल भाषा में पढ़ाना होगा। मेडिकल साइंस के प्रोफेसर्स लोग हमको प्रतिक्रिया कर रहे हैं कि हमको मेडिकल जो शब्दावली आए वो हमारे भारत में उसका वैकल्पिक कोई शब्दावली नहीं है। जो टर्मिनोलॉजी है मेडिकल साइंस की, उसका रीजनल भाषा में कहो या हिंदी भाषा में कहो, कोई वैकल्पिक शब्द नहीं है। जितना वो टेक्निकल सब्जेक्ट है, इंजीनियर साइंस, मेडिकल साइंस, ये टेक्निकल शब्द है। जितना उसको साइंस की लैंग्वेज से हम पढ़ाते हैं, अंग्रेजी मीडियम से पढ़ाते हैं, जितना हमें उत्साह आता है, जितना हम बच्चों को कन्विंस कर पाते हैं और वो भी अंडरस्टैंड कर पाते हैं, आज हमें पढ़ने के लिए दिलचस्पी खत्म हो गई है, पढ़ाने की दिलचस्पी खत्म हो गई है। अगर ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी हायर एजुकेशन पर लागू होगा तो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर कौन सा भारत का स्टूडेंट साइंटिस्ट रिसर्च पेपर सबमिट करेगा, क्योंकि उसका जो ग्लोबल लैंग्वेज है वो न्यू एजुकेशन पॉलिसी ने खत्म कर दिया। तो ग्लोबल लैंग्वेज में आपको अंग्रेजी माध्यम को चुनना पड़ेगा, और अंग्रेजी माध्यम को चुनकर आपको साइंस फैकल्टी का एनी इन्वेंशन, आपके पास जो खोज है, संशोधन है, जो आपके पास दिमाग है, आप दुनिया के पटल पर जाने का माध्यम अंग्रेजी माध्यम है। मगर आरएसएस बीजेपी के लोग भारत के लोगों को दुनिया से डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने रीजनल लैंग्वेज का आधार जोर जबरदस्ती से थोपा है, ताकि कल भारत में कोई विद्रोह होगा, जन आंदोलन होगा, तो दुनिया के लोगों को ग्लोबल लैंग्वेज में बताने वाले आने वाले 5-10 साल में कोई बचे ही नहीं। अगर पढ़ाना ही पाबंदी है, 10 साल के बाद कौन बोलेगा? भागवत जी कह रहे हैं वेद विज्ञान से महान है। वेद विज्ञान से महान है, और मेडिकल साइंस के लोगों को पहले वेद पढ़ना होगा, बाद में साइंस पढ़ना होगा, वो खाक पढ़ने वाला है। इसको कह रहे हैं अतुल्य भारत, अमृत भारत, ये तो सत्यानाश करने वाला भारत है। तो हमारे सामने चुनौतियां ज्यादा है, रोजगार नहीं है, किसानों के जमीनों के ऊपर ढाका डालने वाले कानून बनाए गए, अब पार्लियामेंट गूंगी हो गई है, पार्लियामेंट में कोई विपक्ष नहीं है, मीडिया खरीदा गया है, हमें खुद अनुभव है। हम लोगों ने नरेंद्र मोदी को नोटिस भेजा कि गिर सोमनाथ के नीचे जो टेंपल है और उसकी स्टोरी बताकर अब हिंदू मुसलमान करके ही गुजरात को प्रयोगशाला बनाया, और उसके नीचे 3 मंजिला बुद्ध विहार है, ऐसा मोदी जी के द्वारा जो एक्सपर्ट कमिटी बनाई उनका रिपोर्ट है। तो हमने मोदी जी को ही नोटिस भेजा और दिल्ली में प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और वहां सबको न्योता दिया, ससम्मान न्योता दिया। तो हमने महसूस किया, हमको लगा आज तक होगा, एनडीटीवी होगा, जी न्यूज होगा, तो वहां पर जो सो कॉल्ड राष्ट्रीय मीडिया कहने वाले जो लोग थे, ऐसा लगा कि किसी का मौत हो गया है और वो उसमें शामिल हो गए, कोई मीडिया का कोई मालिक होगा, ब्राह्मण बनिया मीडिया मान लो, उसका कोई देहांत हो गया अचानक और उसी में चले गए, एक भी बंदा नहीं है। कितना डरता है बामसेब से, कितना डरता है हम लोगों से,
विरोध करने के लिए तो दिखाओ। इसीलिए साथियों, संगठनात्मक ढांचा को हमें मजबूत करना होगा और देशव्यापी संगठन, देशव्यापी जन आंदोलन करने की दिशा में हमें आगे बढ़ना होगा। भारत में हिंदू मुसलमान के नाम पर बैकवर्ड कास्ट के लोगों को गुमराह किया जाता है और भारत की जो मुस्लिम कयादत है, भारत की जो मुस्लिम लीडरशिप है आज वर्तमान की, वो इस गेम में शिकार हो रहे हैं। एक बड़े मौलाना थे, वो अमित शाह के साथ बैठे हुए थे, उन बदमाशों ने उनका वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। उनका हम नाम नहीं लेना, बड़े मौलाना है, भारत के नंबर एक के मौलाना है। उनको पूछा गया हिंदू राष्ट्र के बारे में, मौलाना साहब आपकी क्या राय, तो उन्होंने कहा जल्दी करो, हिंदू राष्ट्र तो जल्दी होना चाहिए हमारी राय, और हिंदू राष्ट्र में मुसलमान का कोई सत्यानाश नहीं होने वाला है, मुसलमान का कल्याण होने वाला है। अरब में, इस्लामिक कंट्रीज में मुसलमानों के साथ जितना न्याय और कल्याण नहीं होगा, उतना हिंदू राष्ट्र में होगा। तो वर्तमान में ब्राह्मण लोग, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, बैकवर्ड कास्ट के लोगों का वोटों के आधार पर ध्रुवीकरण करने के लिए हिंदू मुसलमान की लाइन को आगे लेकर जा रहे थे ताकि वोटों का ध्रुवीकरण किया जाए, मगर ईवीएम मशीन के बाद अब उनका पैतरा बदल गया है और वो पैतरा ये कहता है कुछ भी हो जाए हम ही आने वाले हैं। और ये लोग, भामसेब के लोग, भारत मुक्ति मोर्चा के लोग, ये जो बहुजन समाज को जागृत करने का, विरासत बचाने का, अपने भविष्य को सुधारने का जो आंदोलन कर रहे हैं, इनका जन आंदोलन सफल होने के पहले हम लोग, ईवीएम जब तक है तब तक यहाँ की विरासत पर कब्जा किया जाए, इस रणनीति पर काम कर रहे हैं। अभी मैं जौनपुर गया था, जौनपुर उत्तर प्रदेश का जिला है, तो जौनपुर में एक मामला खड़ा हो गया और उस मस्जिद में वो मंदिर ढूंढ रहे हैं और उस मस्जिद का नाम है अटाला मस्जिद। ब्राह्मण कह रहे ये अटाला देवी है। अब हमें पहली बार पता चला कि अटाला नामक कोई देवी है। जब ये हमने इस बात की छानबीन की तो लोगों ने व्यंग्यात्मक कमेंट किया, लोग कहने लगे आज अटाला मस्जिद को देवी घोषित कर दिया, कल घोटाला देवी भी बनाएंगे। लोगों को समझ में आ रहा था तो सोशल मीडिया में कह रहे थे कल घोटाला देवी भी आएगी। साथियों, काशी मथुरा पर उनका केवल अभी नियंत्रण स्थापित करने का मामला नहीं है, मैं खासकर कि ये जो मुस्लिम लोग अपनी समस्याओं को गिन रहे, मैं एक नई समस्या आपको बता रहा हूं, राष्ट्रीय स्तर पर कोई इसके खिलाफ या ये साजिश के खिलाफ रणनीति बनाकर दुश्मनों की साजिश को विफल करते हुए कोई मुस्लिम वर्तमान कयादत हमें दिखाई नहीं दे रहा है। सीताराम गोयल नामक आरएसएस का थिंक टैंक है, उसने टू वैल्यूम्स लिस्टिंग बनाकर किया है जिसमें उन्होंने 3600 मस्जिदों को स्पॉट किया है और अभी वो लोग 1800 मस्जिदों में मंदिर ढूंढने का अभियान पर काम कर रहे हैं। तो एक राज्य का मामला नहीं है, उत्तर प्रदेश में 350 मस्जिदों पर आज काम कर रहा है, 350। तो साथियों, वो लोग जानते हैं कि इस्लाम आने के पहले यहाँ के लोग बुद्धिस्ट थे, यहाँ के लोग जैन थे, ये इनकी विरासत है, यहाँ के जिनको हमने जातियों में तोड़ा इनकी विरासत है, नाम मुसलमान का लेंगे, कब्जा मूल निवासियों के विरासत पर करेंगे, ये साजिश वो काम कर रहे हैं। साथियों, बुद्धिस्ट लोगों का भी एक मामला हमारे सामने आया,
बुद्धिस्ट लोगों की बुद्ध गया पर ब्राह्मणों का कब्जा है और वो कब्जा दिन ब दिन बढ़ते जा रहा है और वहां पर बोध गया से छटकर बोध गया के बाउंड्री को लगकर उन्होंने एक मंदिर बनाया है जगन्नाथ टेम्पल, और जगन्नाथ टेम्पल तो उड़ीसा में है। अब बोध गया में भी जगन्नाथ कैसे आ गया? जगन्नाथ टेम्पल है तो उड़ीसा में, मगर जगन्नाथ टेम्पल यहां क्यों आ गया? तो जब 1895 में गया कोर्ट में जो केस चल रहा था कि यह बोध गया किसकी है, तो जजेस लोगों ने, विद्वान वकीलों ने आर्गुमेंट किया था कि जो हाल जगन्नाथ टेम्पल का हुआ वो मूलतः सम्राट अशोक के द्वारा बनाया गया संगाराम था, विहार था, और उसके ऊपर ब्राह्मणों ने 12वीं शताब्दी के बाद कब्जा किया। उसी तरह बोध गया पर ब्राह्मण कब्जा न करे, इसलिए इस केस को चलाना जरूरी है। तो मैं बुद्धिस्ट लोगों को ये कहना चाहता हूं कि केवल इमोशनल रहने से काम नहीं चलेगा, जैनों को भी देशव्यापी संगठन बनाना पड़ेगा, बुद्धिस्टों को भी जैन देशव्यापी संगठन निर्माण करना पड़ेगा, मुसलमानों को भी देशव्यापी संगठन निर्माण करना पड़ेगा। भावनात्मक रहने से काम नहीं होगा। जो समस्या आपके सामने खड़ी है उस समस्या का इलाज ढूंढने का एकमात्र तरीका है देशव्यापी संगठन का निर्माण करना होगा। जो हमारे सिख बोल रहे हैं, जो हमारे जैन बोल रहे हैं, जो हमारे मुस्लिम बोल रहे हैं, जो हमारे बुद्धिस्ट बोल रहे हैं, उनके उनका रास्ता है। इसलिए हमने बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क बनाया, इसलिए हमने राष्ट्रीय सिख मोर्चा बनाया, इसलिए हमने राष्ट्रीय जैन मोर्चा बनाया, इसलिए हमने राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा बनाया। जब हमने राष्ट्रीय क्रिश्चियन मोर्चा बनाया तो संघ के लोगों ने रिएक्शन किया, और रिएक्शन कितना किया ये आदिवासी लोगों के लिए एक सबूत, एक प्रमाण है देखवाल साहब, कि जो लोग, जो आरएसएस के लोग ये आज कह रहे हैं कि जिन आदिवासी लोगों ने ईसाई धर्म कबूल किया, जिन आदिवासी लोगों ने इस्लाम कबूल किया, इसलिए उनको डिलीट करना चाहिए, डिलिस्टिंग के मामले में वो डिलिस्टिंग का मामला खड़ा कर रहे हैं। मोहन भागवत ने ईसाई लोगों का एक संगठन बनाया है, उस संगठन का नाम है ईसाई राष्ट्रीय मंच। बड़े गजब के हो भागवत जी, ईसाइयों को कुछ बिकाऊ किस्म के माल को अपने पास ले रहे हो और उनको, उनके कम्युनिटी को दिखा रहे हो कि हमने ईसाई राष्ट्रीय मंच बनाया, और दूसरी तरफ आदिवासियों के बीच में जा रहे हो और आदिवासियों के कान में कह रहे हो कि जो ईसाई बने हुए आप उसके खिलाफ मोर्चा खोलो। तो कितना बेवकूफ बना रहे हैं। एक तरफ आप ईसाई का संगठन भी बनाते हो नाटक के लिए, और दूसरी तरफ उनके खिलाफ एक मोर्चा भी खोलते हो दिखावे के लिए। मुसलमानों का ऑर्गेनाइजेशन बनाए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, ये आरएसएस का ऑर्गेनाइजेशन है, और उसके हेड को बनाया इंद्रेश कुमार, आरएसएस के सेंट्रल बॉडी का मेंबर, और वो आतंकवादी है। वो आतंकवादी व्यक्ति को हेड बनाया मुसलमान का, जिसने मुसलमान लोगों को जेल में ठुसाया, बम फोड़े ब्राह्मणों ने, जेल में गए बेकसूर मुसलमान। मुशरिफ साहब ने सबूत के आधार पर इंद्रेश कुमार के पाप की गिनती की है, बम फोड़े इन्होंने और जेल में गए मुसलमान, और शो करने के लिए इंद्रेश कुमार को ही अध्यक्ष बनाया। कितना गजब का मामला है। अरे मुसलमान का संगठन बनाया, मुसलमान का अध्यक्ष बनाते, बनाया उसको। पिछले हफ्ते उसने वक्तव्य दिया
कि काशी मथुरा का समाधान इसी में है कि मुसलमान आरएसएस हम लोगों से समझौता कर ले और हमको दे दे। संगठन किसका? मुसलमान का। काम किसका? इसलिए साथियों कि जो रिलीजियस कम्युनिटीज है उन लोगों को भी हम लोग ऑर्गेनाइज करने में सफल हो रहे हैं। राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा राष्ट्रीय संगठन बनाने में हम लोग कामयाब हो गए। कई राज्यों में हमारा संगठन विस्तार पूर्वक फैल गया है। बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क अब भारत में तो इस्टैब्लिश हो रहा है, नेपाल में भी इस्टैब्लिश हो रहा है, वहां भी हमारा नेटवर्क खड़ा हो रहा है। और नेटवर्क बढ़ाने के दृष्टिकोण से हम नेपाल के साथ दोस्ती बना रहे हैं, तो नेपाल के लोग अभी हमारे साथ जुड़ गए। वो हम लोगों को वहां न्योता देने वाले, आप भी आप वहां हो, जैसे हम यहां हैं आप भी वहां हो। बुद्धा का वहां बर्थ हुआ है जिस जगह पर, वहां बुद्धा सिद्धार्थ बुद्धा छोटे बच्चे के तौर पर उंगली आकाश की तरफ खड़े किए हुए ऐसा स्टैचू है लुम्बिनी में। राम मंदिर बनाने के लिए बीजेपी गवर्नमेंट के लोगों ने कहां से पत्थर लाए, चट्टान को काटकर कहां से पत्थर लाए, वो पत्थर नेपाल से लाए, ऐसा शो किया गया कि हमने नेपाल से लाया है। साथियों वो जो पत्थर उन्होंने वहां से लाया क्या शो करना चाहते हैं? आरएसएस और बीजेपी के लोग ग्लोबल लेवल पर बुद्धा और अशोका की आइडेंटिटी को जानबूझकर हाइड करना चाहते, दबाना चाहते। एक जानकारी हमारे पास आई है, वो बहुत सेंसिटिव जानकारी है कि बोध गया पर ब्राह्मणों का कब्जा होने के कारण वो एक्ट ही गलत है, जिसके कारण चार बुद्धिस्ट मेंबर रहेंगे, पांच नॉन बुद्धिस्ट लोग रहेंगे, यानी बुद्ध धर्म के विरोधी लोग उसके प्रमुख रहेंगे। तो ब्राह्मणों का कब्जा होने के कारण ही वहां पर बम ब्लास्ट किया गया। बोध गया पर ब्राह्मणों का कब्जा होने के कारण बम ब्लास्ट हुआ, और बोध गया को लगकर ही उन्होंने जो टेंपल बनाया है वहां पर रथ यात्रा करने के लिए कारीगर को बुलाया और वो रात भर वही था और वही पर बम ब्लास्ट की योजना बनाई गई और बाद में मुसलमानों को जेल में ठुसाया गया। बम फोड़ा किसने? ब्राह्मणों ने। जांच को डाइवर्ट कर दिया गया, यानी बौद्ध स्थल के ऊपर ही कब्जा नहीं किया, कब्जा होने के कारण आसपास में मंदिर डेवलप कर रहे हैं और उसके कारण बम ब्लास्ट जैसी गतिविधियां को आप मजबूत कर रहे हो। अभी ये नागपुर है, नागपुर में आने वाले लोग दीक्षा भूमि को देखते हैं। दीक्षा भूमि ये बुद्धिस्ट दीक्षा भूमि है, पूरे विश्व के लोग वहां आते हैं। बाबा साहब अंबेडकर ने यहां क्रांति का कदम उठाया इसलिए। मगर आज दीक्षा भूमि के ऊपर नितिन गडकरी और देवेंद्र फडणवीस का डायरेक्ट कब्जा है, इनडायरेक्ट कब्जा नहीं है। दीक्षा भूमि के ऊपर भी डायरेक्ट कब्जा उन्होंने कर दिया है, आशीष द्विवेदी, मेजर कुलकर्णी और एक तीसरा ब्राह्मण है। ये तीन ब्राह्मण लोग वहां का मैनेजमेंट देखते हैं और मैनेजमेंट देखने का काम तो वहां के ट्रस्ट बनाए हुए बुद्धिस्ट लोगों का होना चाहिए था, मगर उसका मैनेजमेंट करने का काम ये आरएसएस से जुड़े हुए ब्राह्मण करते हैं। ये अपने आप में सबूत है कि ब्राह्मण लोग जहां बहुजन लोगों की प्रेरणा स्रोत है उसके ऊपर कब्जा कर रहे हैं। तो इसलिए साथियों जैसे बोध गया को मुक्त करने का अभियान कर रहे हैं, तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क को यह दीक्षा भूमि आरएसएस से मुक्त करने का अभियान भी चलाना होगा।
जो जैनों का मामला प्रोफेसर फलटने साहब बता रहे थे, तो जैनों का जो वास्तविक इतिहास है वो पता ही नहीं है। जैन लोगों को पूछो तो जैन लोग भी बोलते हैं हमें मालूम नहीं है। तो जैन लोगों का भी ऑर्गेनाइजेशन हम लोग बना रहे हैं और राष्ट्रीय स्तर पर बना रहे हैं। मैं संगठन के काम के लिए उदयपुर गया था और उदयपुर जाने के बाद वहां पर मुझे केसरिया नाथ एक मंदिर है इसकी जानकारी मिली, तो मुझे जिज्ञासा हुई कि वो किसका मंदिर है, तो पता चला कि वो जैनों का मंदिर है। तो अंदर जाने देंगे क्या, तो उन्होंने कहा अभी जैनों का बहुत जमावड़ा होता है तो अभी दिन में आपको नहीं मिलेगा, मगर आप एकदम सवेरे सवेरे अगर उसको देखना चाहते तो वहाँ ब्राह्मण लोग जलाभिषेक करते हैं और जलाभिषेक करते वक्त बोली लगाते हैं, जो ज्यादा बोली लगाएगा फिर उसको मूर्ति को छूने तक देते हैं। तो मैं और हमारे साथी गए और मेरे साथ एक आदिवासी कार्यकर्ता था, वो नया नया जुड़ा था, उसको बहुत गुस्सा आ रहा था कि ब्राह्मण जैनों के मंदिर पर कब्जा कैसे कर रहे हैं। तो जब बोली लगाने की बात आई तो आदिवासी जो 100-200 से बोली हो रही थी उसने एकदम 2000-3000, तो जैन लोग कम बोल रहे थे, हमारा आदिवासी ज्यादा बोल रहा था और ब्राह्मण फिर उत्साही हो रहा था। फिर बाद में वो पैसा उसने दिया क्योंकि हमको उस मूर्ति का पुरातात्विक ढंग से अध्ययन करना था, हम जब तक नजदीक नहीं जाएंगे तो पता ही नहीं चलेगा। तो वो मंदिर 100% जैनों का है, तो जैन बाहर बैठते हैं और पंडे अंदर बैठते हैं। तो मैंने वहां के जैन लोगों को पूछा, आप लोगों को बुरा नहीं लगता कि आपकी आइडल्स आपके प्रेरणा स्रोत पर कब्जा है और आप उनको पैसा देते हैं और वो लूटता है? तो बोलते कोर्ट में केस चल रहा है। कितने साल से? 50-60 साल से चल रहा है, अभी तक तो कोई फैसला नहीं, मगर राष्ट्रीय जैन मोर्चा के जरिए से ऐसे जैन स्थलों को मुक्त करने का अभियान अब हम आने वाले समय में चलाएंगे। और जैन अगर आवाज नहीं उठाते हैं, जैन आरएसएस बीजेपी से अगर डरते हैं, तो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क जैनों की भी लड़ाई लड़ेंगे। केवल बुद्धिस्टों की लड़ाई नहीं लड़ेंगे, जैनों की भी लड़ाई लड़ेंगे। और ये जो भारत है, ये मूलनिवासियों का भारत है, इसको आजाद करने के लिए SC ST OBC में हम जन जागरण कर रहे हैं, संगठित शक्ति का निर्माण कर रहे हैं। उसी तरह जो रिलीजियस कम्युनिटीज है, जो समानता को मानने वाले लोग हैं, उनको संगठित करने का, ट्रेनिंग देने का, उनको जो साधन और संसाधन चाहिए वो प्रोवाइड करने का काम हम हमारे ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से करेंगे। मैंने कल ही एक मुस्लिम लोगों के मीटिंग में एक उदाहरण दिया, वो बात बताकर मेरी वाणी को मैं खत्म करूंगा। मैंने एक उदाहरण दिया कि सबसे बड़ा विद्वान मुसलमानों में कौन है, तो मुसलमानों ने कहा कि सबसे बड़ा विद्वान जो है जाकिर नाइक है। तो मैंने उनको कहा आप जाकिर नाइक किधर है, तो जाकिर नाइक आप भारत के नागरिक ही नहीं है, जो सबसे बड़ा विद्वान था उनका नागरिकता ही छीन ली गई। अब उनकी गलती क्या है, आरएसएस के ब्राह्मण को अपने मंच पर बुलाते थे, उनको ज्ञान देते थे, सांप को दूध पिलाओगे तो सांप डसने का ही काम करेगा, जाकिर नाइक को ब्राह्मण डस गए। और जाकिर नाइक ने एक दिन एक शंकराचार्य को अपने मंच पर बुलाया और शंकराचार्य ज्यादा नहीं 10 मिनट बोले, 10 मिनट में उसने कुरान की तारीफ कर दी, अल्लाह की तारीफ कर दी, नबी की तारीफ कर दी, यहां तक कहा अगर इस्लाम दुनिया में नहीं आता तो दुनिया खत्म हो जाती, मुसलमान तालियां पर तालियां, माशाल्लाह, वाह 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 वाह, क्या बात है क्या बात है,
हिंदुओं का धर्मगुरु शंकराचार्य बोल रहा है। जब ये बहुत तालियां बजा रहे थे तो उसने फन निकालकर अपना असली चेहरा दिखा दिया, मगर किसी को दिखाई नहीं दिया, क्योंकि वो तारीफ में खुश थे, वो थोड़ी खेडर थे, वो तो तारीफ में खुश थे। उसने आखिर में एक जहरी स्टेटमेंट दे दिया, जो कुछ कुरान में अच्छा है वो सारा हमारे वेद से लिया हुआ है। ये बोला शंकराचार्य, यूट्यूब पर है। और सबसे बड़ा विद्वान जाकिर नाइक साहब वहां बैठे हुए। तो आरएसएस और बीजेपी के लोग और ये जो पंडित लोग हैं, इनसे अगर लड़ना है तो हमें हमारे पैर को मजबूत करना होगा और उनके साथ हमें डिस्टेंस मेंटेन करना होगा। उनकी विचारधारा गैर बराबरी की है, हमारी विचारधारा इंसानियत की है, जहर को साथ में नहीं लिया जा सकता, इसलिए हमें सतर्क रहना होगा, ऑर्गेनाइज वे में हमें लड़ाई लड़ना होगा। तो आने वाले समय में मास एजिटेशन के जन आंदोलन की तैयारी में हमें आगे चलना है। देश का दुश्मनों ने सत्यानाश कर दिया है, अब लोगों की उम्मीद, लोगों की आशा आप लोगों के ऊपर ही टिकी हुई है। आप ही लोगों को आजाद करा सकते हैं, आप ही उनको इस गुलामी से मुक्त कर सकते हैं। ये केवल भारत के लोगों की नहीं, नेपाल के लोगों की भी आप लोगों के ऊपर उम्मीद और आशा टिकी हुई है। जब मैं नेपाल में गया तो मुझे लोगों को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, लोग मेरा वहां राह देख रहे थे, मुझे बड़ा आश्चर्य लगा। तो उन्होंने कहा, हम यूट्यूब पर आपको देखते हैं, आपकी गतिविधियों को नकल करते हैं हम नेपाल में, हमें आपसे प्रेरणा मिलती है, आप जो कुछ करते हैं इससे हम सीख लेते हैं। इसी तरह से केवल भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के लोगों के साथ हमें कोलैबोरेशन करना होगा और आजादी हासिल करने के लिए जो भी कीमत चुकानी है हम कीमत चुकाने के लिए तैयार है। धन्यवाद।